नमस्कार हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मंडी में जहरीली शराब मामले में मुख्य सरगना कालू समेत बैजनाथ व पालमपुर से 3 गिरफ्तार। DGP खुंडू ने सिरमौर पुलिस की इंटरस्टेट नाकों पर की गई तैयारियों को लेकर थपथपाई पीठ। DC के साथ संवाद के दौरान PM मोदी ने सामान्य सेवा केंद्रों के लिए की चंबा जिले की तारीफ। तृतीय श्रेणी के पदों के लिए नहीं होंगी मूल्यांकन परीक्षाएं, भर्ती प्रक्रिया में आएगी तेजी। पहाड़ों की रानी शिमला में गिरे बर्फ के फाहे, रिज पर बर्फबारी का लुफ्त लेते नजर आए सैलानी। संजौली ढली टनल पर शराब में धुत हरियाणवी टूरिस्ट का हंगामा, शिमला पुलिस के ASI को जड़ा थप्पड़। पंडित बालकृष्ण शर्मा के 78वें जन्मदिन पर श्री बालाजी आहार वाहन का लोकार्पण। हिमाचल में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ है। आप सभी से आग्रह है कि जल्द पंजीकरण करवा कर टीकाकरण जरूर कराएं। इसके साथ ही कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने खतरे को और भी बढ़ा दिया है, इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सुंदरनगर में जहरीली शराब मामले में SIT ने मुख्य सरगना कालू उर्फ नरेंद्र कुमार समेत बैजनाथ व पालमपुर से 3 आरोपियों को देर रात गिरफ्तार किया है। 7 लोगों की मौत के बाद कालू भूमिगत हो गया था। वो सुंदरनगर उपमंडल की भनवाड़ पंचायत के छजवार गांव का रहने वाला है। शराब के अवैध कारोबार से कालू ने अकुत संपत्ति बनाई थी। उसके पास 5 बसें, 2 ट्रक व 2 JCB हैं। कई जगह उसके मकान बना रखे हैं। शराब के कारोबार से उसने लाखों रुपए कमाकर चल अचल संपत्ति बनाई है। प्रारंभिक जांच में उसकी संपत्ति आय से अधिक पाई गई है। पुलिस ने 2 दिन पहले उसकी एक बस अपने कब्जे में ली थी। कालू 12 साल से शराब का अवैध कारोबार कर रहा है। बैजनाथ का अजय कुमार व पालमपुर का गौरव इस कारोबार में उसके पार्टनर थे। हिमाचल प्रदेश पुलिस के DGP संजय कुंडू शनिवार को जिला सिरमौर के दौरे पर पहुंचे हैं। नाहन पहुंचने पर सिरमौर जिला के SP ओमापति जामवाल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने DGP का यहां पहुंचने पर स्वागत किया। इस बीच जिला पुलिस ने सर्किट हाउस में DGP को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। दरअसल सिरमौर जिला के साथ लगते उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में सिरमौर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। लिहाजा प्रदेश के DGP भी दोनों राज्यों के साथ सटे जिला सिरमौर की सीमाओं पर तैयारियों का जायजा लेने यहां पहुंचे हैं। नाहन में पुलिस अधिकारियों की बैठक के बाद DGP संजय कुंडू आज शाम पांवटा साहिब में प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। रात्रि ठहराव के बाद DGP रविवार सुबह जिला की सीमांत क्षेत्रों का दौरा करेंगे। PM नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के विभिन्न आकांक्षी जिलों के DC के साथ संवाद किया। उन्होंने प्रदेश के चंबा समेत सभी जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें सभी हितधारकों के साथ मिलकर विभिन्न विभागों की ओर से मिशन मोड में योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। PM ने जिले के लोगों की सुविधा के लिए सामान्य सेवा केंद्रों का दायरा बढ़ाने में चंबा जिले की उपलब्धि की सराहना की। CM जयराम ठाकुर वर्चुअल माध्यम से शिमला से बैठक में शामिल हुए। तृतीय श्रेणी के पदों के लिए मूल्यांकन परीक्षा की शर्त खत्म कर सरकार ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग और अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। इस फैसले के बाद आयोग के माध्यम से विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। सरकार ने गत दिवस कैबिनेट बैठक में तृतीय श्रेणी के पद भरने के लिए मूल्यांकन परीक्षा को खत्म कर दिया है।
अब केवल लिखित परीक्षा की मेरिट पर ही मेरिट सूची बनेगी। हालांकि वर्ष 2017 में सरकार ने चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया खत्म की थी, तो मेरिट सूची लिखित और मूल्यांकन परीक्षा के आधार पर ही जारी हुई थी। अब अधिसूचना में देखना दिलचस्प रहेगा कि मूल्यांकन परीक्षा खत्म करने की शर्त आगामी समय में होने वाली भर्तियों पर लागू होती है या वर्तमान में जारी भर्तियों में इसे लागू कर दिया जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। शनिवार सुबह से ही जहां प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था, वहीं दोपहर बाद राजधानी शिमला में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फ के फाहे गिरते देख पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे और बर्फ के बीच जाकर उन्होंने मस्ती की। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि प्रदेश में शनिवार और रविवार को भारी बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है और निचले क्षेत्रों में बारिश के साथ धुंध छाई रहेगी। उन्होंने कहा कि बर्फबारी होने से तापमान में भी कमी आई है और आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में संजौली की ढली टनल के पास एक टूरिस्ट ने शिमला पुलिस के ASI को थप्पड़ जड़ दिया। मामले की वजह से मौके पर काफी देर तक जमकर हंगामा हुआ। टूरिस्ट ने जमकर शराब पी थी और जब पुलिस उसे थाने ले जाने लगी तो वो सड़क पर लेट गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी टूरिस्ट को काबू किया और बाद में चालान कर उसे छोड़ दिया। शुक्रवार शाम 7:30 बजे की ये घटना है। दरअसल हरियाणा के पानीपत का टूरिस्ट अतुल मल्होत्रा शराब के नशे में धुत था। इस दौरान पानीपत के इस टूरिस्ट ने मशोबरा में एक टैक्सी को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। बाद में ढली थाना पुलिस ने इसे टनल के पास डिटेन कर लिया। टनल के पास ढली पुलिस थाना के SI और स्टाफ ने जब इसे पकड़ा तो आरोपी टूरिस्ट पुलिस वालों से उलझ गया। पंडित बालकृष्ण शर्मा के 78वें जन्मदिन पर श्री बालाजी आहार वाहन का आज लोकार्पण किया गया। पंडित बालकृष्ण शर्मा ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शर्मा ने श्री बालाजी अस्पताल एवं नर्सिंग कॉलेज कांगड़ा स्थित परिसर में इसका लोकार्पण किया। ये वाहन हर दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा के बाहरी तरफ अपनी सेवाएं देगा। इसी वाहन के जरिए जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया करवाया जाएगा। कोविड के प्रकोप के चलते पंडित बालकृष्ण शर्मा के जन्मदिन पर इस मर्तबा अन्य सभी कार्यक्रम सस्पेंड रखे गए हैं, लेकिन कोविड नियमों का पालन करते हुए आहार वाहन का लोकार्पण ही किया गया। ये सेवा पंडित बालकृष्ण शर्मा के नाम पर समर्पित की गई है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।